हेलो फ्रेंड्स, एडवांस जावा सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 2, जिसमें हम सीखेंगे कैसे जावा प्रोग्राम को ओरेकल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये हम JDBC की सीरीज देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम जावा प्रोग्राम को डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने का प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। उसी सिलसिले में मैंने दो पार्ट्स में इस वीडियो को बनाया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जावा प्रोग्राम में हम ऐसी क्या कोडिंग करें कि हम ओरेकल सॉफ्टवेयर के साथ करेक्ट हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, इंट्रोडक्शन टू JDBC, जिसमें आपने ये आर्किटेक्चर वाला डायग्राम भी देखा होगा। यहां पर आप नोटिस करें, सबसे लेफ्ट में हमारी जावा एप्लीकेशन है जो कि हम आज बनाने वाले हैं। सबसे राइट में ये जो ब्लू कलर से बॉर्डर बनी हुई है, अंदर डेटाबेस लिखा हुआ है, ये हमारा डेटाबेस है, या ये कहें कि हमारे हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर में वो मेमोरी स्पेस है जहां हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा रखा जाएगा। ये वो सॉफ्टवेयर है जैसे कि ओरेकल, जिसको मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कह रहा हूं। इसी को हम कई बार डेटाबेस सर्वर भी बोलते हैं। हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ओरेकल सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, MySQL सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, या कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, पर आज का हमारा डिस्कशन केवल ओरेकल तक सीमित होगा। ओरेकल के कई सारे वर्जन्स डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। आप ओरेकल की साइट पर जाके ओरेकल के डिफरेंट वर्जन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जिस वर्जन को फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो बेसिकली लर्निंग के पर्पस से ही होता है, वो है एक्सप्रेस एडिशन। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड किया हुआ है। आप ओरेकल की साइट पे जाके ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करने के बाद इसमें एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी आता है जिससे आप ओरेकल के साथ कम्युनिकेट कर सके, और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें आप कनेक्ट लिख सकते हैं, जिससे कि वो लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगता है। यूजर नेम के रूप में मैंने कुछ एंटर किया, स्कॉट, और पासवर्ड के नाम पर भी मैंने कुछ एंटर किया। अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा तो ओरेकल मुझे कनेक्ट करने देगा, और इस तरीके से मेरा ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ये जो रन SQL कमांड लाइन लिखा हुआ है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो ओरेकल के साथ कम्युनिकेशन करवा रहा है। यानी जावा प्रोग्राम की जगह मैं इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। अब मैं जो भी उससे करवाना चाहूंगा वो कमांड मुझे SQL लैंग्वेज में यहां लिखनी होगी। इस तरीके से हम ओरेकल सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से फिलहाल कम्युनिकेट करना नहीं सीखना है, बल्कि जावा प्रोग्राम के थ्रू ओरेकल सॉफ्टवेयर से कैसे कम्युनिकेट किया जाए वो सीखना है। तो जावा प्रोग्राम को भी ओरेकल से कम्युनिकेट करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, यानी हमें जावा में कोडिंग लिखनी पड़ेगी, जिस कोड के चलने से लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी यूजर नेम और पासवर्ड ओरेकल तक पहुंचे और वो वेरीफाई करे कि आप एक ऑथेंटिक यूजर हो या नहीं हो। अगर होगे तो फिर वो आपको अलाउ करेगा कि आप उससे इंटरेक्ट कर सको। लेकिन ओरेकल तक लॉगिन क्रेडेंशियल पहुंचाने के भी पहले ये जरूरी है कि ओरेकल तक आपकी बात पहुंचने के लिए एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो, एक चैनल, एक लाइन, एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो, जिससे कि आपके मैसेजेस पहले ओरेकल सॉफ्टवेयर तक पहुंचना तो स्टार्ट हो। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ड्राइवर, वो प्रोग्राम जो रिस्पॉन्सिबल है ओरेकल सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। अब ऐसा एक
सॉफ्टवेयर आपके पास तब आ जाता है जब आपने ओरेकल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। ओरेकल सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है? तो सी ड्राइव के अंदर ओरेकल ईएक्सई नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। तो जब ओरेकल का एक्सप्रेस एडिशन मैंने इंस्टॉल किया तब ये फोल्डर बना। इसके अंदर जो फोल्डर्स हैं आप उन पे गौर करिए, ऐप ऐप के अंदर ओरेकल, ओरेकल के अंदर, ये इतने सारे फोल्डर्स में से आपको कहाँ जाना है? प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से आप कहाँ जा रहे हैं? 11.2.0 ये वर्जन नंबर है, सर्वर, और इतने सारे फोल्डर्स अभी आपको फिर दिखाई दे रहे हैं। आपको जाना है JDBC में, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसमें लिब फोल्डर है। तो ओरेकल सॉफ्टवेयर आपको एक ड्राइवर भी प्रोवाइड कर रहा है जो कि यहाँ पर लिखे हुए, ये सभी ड्राइवर्स हैं, इनमें से कोई सा भी ड्राइवर हम यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज करेंगे OJDBC 6.4, ठीक है, ये वाला ड्राइवर यूज करेंगे। जार फाइल है, यानी ये भी जावा में बनी हुई है, और डेफिनेटली इसके अंदर कई सारी क्लासेस होंगी। ये जावा में बनी हुई क्लासेस होंगी और इन्हीं क्लासेस का इस्तेमाल करके, उस क्लास के फंक्शंस का इस्तेमाल करके ओरेकल सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट किया जाना पॉसिबल होगा। तो ये जो ड्राइवर फाइल आपको दिख रही है, ये ड्राइवर है, और ये आपको चाहिए है ओरेकल से कम्युनिकेट करने के लिए। हम जावा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम JDBC API को यूज करेंगे, और फिर ये JDBC API JDBC ड्राइवर मैनेजर से कम्युनिकेट करेगी, जो कि फर्दर ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा, और ड्राइवर ओरेकल से कम्युनिकेट करेगा। पर ड्राइवर को मुझे पहले करना पड़ेगा लोड, इसका मतलब उसे अवेलेबल कराना पड़ेगा ताकि JDBC ड्राइवर मैनेजर उस ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर पाए और उस तक मैसेजेस भेज पाए, यानी वो उससे कनेक्ट हो पाए। तो पहली स्टेप मुझे ड्राइवर्स को लोड करना है। दूसरी स्टेप है मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स भेजने। तो ये दोनों स्टेप कैसे होंगी ये आज हम प्रैक्टिकल में सीखने वाले हैं। अगर लॉजिकली देखें तो स्टेप्स ऑफ कनेक्शंस क्या थी ये हमने अपने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी समझा था। सबसे पहली स्टेप होती है जब भी आप जावा से किसी डेटाबेस सर्वर का कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोड करेंगे ड्राइवर्स। आज हमको ये स्टेप देखनी। उसके बाद अगली स्टेप होती है एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, यानी लॉगिन क्रेडेंशियल्स देना, जिससे कि हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए। ड्राइवर लोड होने से ओरेकल से कम्युनिकेशन होना पॉसिबल होगा, लेकिन ओरेकल आपको एक वैलिड यूजर माने उसके लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स देना जरूरी है। तो ये दोनों स्टेप आज हमको करके देखनी है। इसके बाद जो आज हम नहीं देखेंगे पर आगे के वीडियोस में देखेंगे वो है कैसे हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें, उनको एग्जीक्यूट करें, और अगर उससे कुछ रिजल्ट आता है तो उसको मैनेज करें। और लास्ट स्टेप जब हमारे ये सारे काम हो जाते हैं तो हमें डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना होता है, तो वो क्लोज करने वाली स्टेप भी आज देखेंगे। तो हम तीन स्टेप कुल मिलाकर देखने वाले हैं, बीच की ये तीन स्टेप मैं छोड़ रहा हूं आज। तो कैसे हम लोड करेंगे ड्राइवर्स को, आइए उसको देखते हैं। लोडिंग अ ड्राइवर, तो ड्राइवर को लोड करने के लिए बेसिकली आपको एक लाइन अपने प्रोग्राम में लिखनी पड़ेगी, वो ये लाइन। क्लास, ये जावा में एक प्रीडिफाइंड क्लास है विद सी कैपिटल। इसका एक स्टैटिक मेथड है फॉर नेम, जिसमें मैंने एक क्लास का नाम पास किया है। क्लास का नाम है ओरेकल ड्राइवर। ये जो क्लास का नाम हमने पास किया है ये उस ड्राइवर फाइल में मौजूद है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। ड्राइवर फाइल के अंदर, जिस पैकेज के अंदर ये क्लास है उसका नाम है ड्राइवर, और ये ड्राइवर पैकेज खुद JDBC पैकेज में, JDBC पैकेज खुद ओरेकल पैकेज में। तो इसीलिए इसका पूरा पाथ यहां पर लिखा हुआ है, और इस लाइन के चलने से ये ड्राइवर लोड हो जाएगा। अगर ये
नहीं लोड हो पा रहा है किसी वजह से, कारण ये स्ट्रिंग जो हमने पास की है इसमें कुछ मिस्टेक है, तो फिर ड्राइवर लोड नहीं हो पाएगा। एक बार ड्राइवर लोड हो जाए तो अगला काम है कनेक्शन स्टैब्लिश करना, और कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रीडिफाइंड क्लास है ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर के पास एक गेट कनेक्शन नाम का मेथड है, स्टैटिक मेथड है, और ये मेथड में तीन आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट यूआरएल है, जो उस डेटाबेस का यूनिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे जिस पर आपको काम करना है। तो आप ओरेकल को तीन चीजें बताते हो। पहली चीज, आप किस डेटाबेस पे काम करना चाहते हो, क्योंकि ओरेकल एक साथ कई सारे डेटाबेसेस को मैनेज कर रहा होगा, तो उस डेटाबेस को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूआरएल या एक स्ट्रिंग हम पास करते हैं पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में। और ये स्ट्रिंग क्या है, jdbc:oracle:thin:localhost:1521xe। ओके, जेडीबीसी यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ओरेकल के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही है, और इसमें जो ड्राइवर यूज हो रहा है वो थिन ड्राइवर है। ओरेकल के ड्राइवर्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, थिन ड्राइवर और ओसीआई ड्राइवर। ओसीआई ड्राइवर भी हम यूज कर सकते हैं, ओरेकल क्लाइंट इंटरफेस। ओसीआई ड्राइवर क्लाइंट सॉफ्टवेयर के नेटिव लाइब्रेरीज को यूज करके कम्युनिकेशन करता है, जबकि थिन ड्राइवर कंप्लीटली जावा में कोडेड होता है और ये किसी पर डिपेंड नहीं होता। इसलिए हम थिन ड्राइवर को यूज करना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि मे बी क्लाइंट लाइब्रेरी किसी सिस्टम पर मौजूद हो या ना हो। एट द रेट का सिंबल देखिए, कोलन लगाया उसके बाद एट द रेट का सिंबल, और फिर हम बता रहे हैं कि ओरेकल किस मशीन पे होस्टेड है या किस मशीन पे इंस्टॉल्ड है। ऐसा भी हो सकता था कि आपने नेटवर्किंग की हुई हो और आपका कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, आपकी जावा एप्लीकेशन पहले कंप्यूटर पे रखी हो और ओरेकल दूसरे कंप्यूटर पे रखा हो, तो आपको उस दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यहां पर लिखना पड़ेगा। पर क्योंकि ओरेकल आपके ही कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, इसलिए आप यहां लिखते हो लोकल होस्ट। इसके बाद आप लिख रहे हो पोर्ट नंबर, जो कि आपकी इस ओरेकल एप्लीकेशन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, दैट इज 1521। इसके बाद आप लिख रहे हो एक्सई, जो एक्सप्रेस एडिशन का ही शॉर्ट है। ये ओरेकल की सर्विस को डिनोट कर रहा है जिससे कि आप एक पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इसी का अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल। इसके लिए मैं नेटबीन्स पर कोडिंग करके आपको बताऊंगा। हाँ, स्टैब्लिश एक बार हो जाएगा कनेक्शन, उसके बाद मैं कुछ मैसेजेस प्रिंट करा दूंगा जो कि ये इंश्योर करेंगे कि स्टैब्लिश हो चुका है कनेक्शन, और उसके बाद फिर कनेक्शन को क्लोज करने के लिए मैं सिंपली क्लोज फंक्शन को कॉल करूंगा, जो कि कनेक्शन का मेथड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। ये मैंने नेटबीन्स ओपन कर लिया है, और आप देखते हैं नेटबीन्स पे लेफ्ट साइड में सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर दिख रहे हैं, पर हम एक नया प्रोजेक्ट यहां पर क्रिएट करेंगे। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स लिखकर आप मुझे बता सकते हैं आपको ये कैसा लगा, या कोई क्वेश्चन आपका है तो आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए और लाभ ले सके। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोज आप देख सकें और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप मेरी वेबसाइट www.mysurgy.com को जरूर से विजिट करें। इस वेबसाइट पर आपको C++, Java, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, WordPress, इन सब के वीडियो ट्यूटोरियल मिलते हैं। आप यहां पर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी देखते हैं। सारे वीडियोस हिंदी में हैं, डेली एक नया वीडियो साइट पर पब्लिश होता है। इस साइट पर वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कॉन्टेंट है जो कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी बहुत काम का है। तो आप इस साइट को विजिट भी करें और मेरे इस मिशन को भी समझें कि मैं क्यों फ्री में ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्यों हेल्प करना चाहता हूँ।
तो यदि आपको समझ में आएगी मेरी बात तो आप डेफिनेटली इसको शेयर ज़रूर करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फेसबुक वॉल पे, व्हाट्सएप पे इस साइट के बारे में लोगों को बताएंगे तो कई सारे लोगों को इससे लाभ होगा। थैंक यू।